आपका क्वेश्चन है अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर्स एंड हाइट 3.5 मीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस हाउ मच कैनवास कवर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड कवर द हीप। ठीक है, इसने क्या कहा है वो जस्ट हम बनाते हैं। हीप ऑफ अ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, तो इसने कहा कि एक कोन की तरह हीप ऑफ अ राइस है, दिस इज अवर कोन। ठीक है, और इसने कहा बेस डायमीटर इज 24 मीटर्स, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक इज डी इज इक्वल टू 24 मीटर्स। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया इसका, आर इज इक्वल टू 24 बाई 2 इज 12 मीटर्स। आपको हमेशा ध्यान देना है डायमीटर है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना ही है आपको। ठीक है, कि किसी भी फॉर्मूला में आपका डायमीटर नहीं है, ओनली रेडियस इज देयर। नेक्स्ट, फिर इसने क्या कहा, एंड द हाइट इज 3.5 मीटर्स, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक इज 3.5 मीटर्स इज अवर हाइट, एच इज इक्वल टू दिस, आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसने क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर हमारा सिंपल चीज है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइस। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज आवर वॉल्यूम ऑफ अ कोन। हमेशा आपको याद रखना है ये चीज। अब इसके अंदर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू वॉट इज एच, एच इज 3.5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आपका कट जाएगा, इसके साथ क्या हो गया 0.5, 3 आपका कट गया, इसके साथ क्या हो गया आपका 4। तो हमारा क्या आ गया देखते हैं, 22 इंटू 4 इंटू 12 इज 48 इंटू 0.5। 0.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ, 1/2, है ना, हम उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इसके साथ कट करो तो आपका क्या आ जाएगा, 11 इंटू 48, तो ये कितना होता है हमारा, 48 इंटू 11 करो आप, 48 इंटू 11 तो 8448, तो 821 कैरी, 528, दैट इज 528 मीटर क्यूब। आपको हमेशा याद रखना है वॉल्यूम हमेशा किसमें होगा आपका, क्यूब के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने क्या कहा है, हाउ मच कैनवास कवर इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, दैट मीन्स आपको कैनवास कवर चाहिए यहां से लेके यहां तक, ओनली दिस मच, नॉट दिस, नीचे वाला बेस में नहीं चाहिए आपको, सिर्फ कवर करना है ऊपर से। ठीक है, तो हमारा क्या है, ओनली हमको निकालना है
CSA of coal. That is equal to क्या होता है हमारा pi r l. pi r l. l क्या है हमारा, ये slant height. This is our slant height. यहां से यहां तक is our l. ठीक है. अब l निकालने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका, ये स्लैंट हाइट है, दैट मींस हाइपोटेनस है, दैट मींस l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक तो हाइट, दिस हाइट, हाइट हमारी क्या है 3.5 है ना, तो हाइट स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक, दैट मींस ये क्या हो गया हमारा रेडियस r स्क्वायर. आप करो l स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट इज 3.5 स्क्वायर प्लस रेडियस इज 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 3.5 स्क्वायर इज 12.25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144. तो ये कितना हो गया हमारा 0.25, नेक्स्ट 6, 5 एंड 1, तो l स्क्वायर इज 156.25. तो व्हाट इज l, l आपका क्या होगा, तो l इज इक्वल टू रूट ऑफ 156.25. अब 156.25 कितना होता है हमारा, जस्ट देखो कितना होता है, करके देखते हैं हम. 156.25 लॉन्ग डिफ्यूजन मेथड. तो पहले पेयर करो, 1 1, तो 1 हो गया हमारा खत्म. नेक्स्ट ये प्लस 1, सेम डिजिट आपको ऐड करना है, 2, और यहां पर क्या आ गया 5 6. अब यहां पर जो ऐड करोगे वही चीज यहां पर ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर 2 इधर 2 22, तो ये हो गया आपका 44. नेक्स्ट 2 1, और यहां पर क्या है प्लस 2, तो क्या आ गया आपका 2 4, और यहां पर ये 2 5 नीचे आ गया. ठीक है. अब यहां पर हमारा पॉइंट आया है, तो पॉइंट हम यहां पर भी लिखेंगे, और यहां पर आ जाएगा आपका 5 and 5 5 5 is 25, 2 कैरी 5 4 is 20, प्लस 2 is 22, एंड 2 कैरी 5 2 is 10, प्लस 2 is 12. तो आपका L क्या आ गया, L इज इक्वल टू 12.5 मीटर्स. ठीक है. अब ये वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं, 22/7 इंटू वॉट इज R, R इज 12 इंटू L इज 12.5. ठीक है, इसको सॉल्व करो, 22 इंटू 12 एंड 12.5. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा देखते हैं, 22 इंटू 12 22 एंड 12 4 4 2 2 264. तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 264 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 में, तो हमारा आ जाएगा
264 and 12.5 करके देखो 5 4 जा 20 2 कैरी 5 6 जा 30 32 3 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 3 इज 13 नेक्स्ट 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 नेक्स्ट 1 से करो तो आपका आ जाएगा 4 6 एंड 2 तो क्या आ गया आपका 0 8 प्लस 2 इज 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 4 4 8 प्लस 2 10 1 कैरी ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है 6 प्लस 6 इज 12 1 13 1 कैरी 3 3 3 0 तो आपका क्या आ गया ये 33000 लेकिन यहां पर क्या है आपका पॉइंट तो आप पॉइंट लगाओगे यहां पर और ये खत्म हो जाएगा तो आपका बचा 3300 तो क्या आ गया आपका 3300/7 ठीक है अब डिवाइड करो 7 4 जा 28 4 जा 28 तो कितना बचा 5 एंड 0 इधर लिख लेते हैं हम 5 0 50 7 जा 49 क्या बचा आपका 1 1 0 10 तो 7 1 जा कितना हो गया 7 फिर क्या बच गया हमारा 3 3 बच गया तो हम पॉइंट लगाएंगे यहां पर तो हो गया 30 है ना अब कितने टाइम्स में जा रहा है फिर अगेन 4 टाइम्स तो 28 हो गया माइनस 28 क्या बच गया 2 0 20 तो 2 टाइम्स ठीक है तो ये तो हमारा हो गया मीटर स्क्वायर इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट मींस यू नीड कैनवास कवर कैनवास कवर कितना चाहिए आपको 471.42 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट ठीक है